सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कार्यालय समय से आए। डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में योगी प्रशासन का डंडा चल गया है। डिंपल यादव की मैनपुरी में योगी प्रशासन ने ऐसा आदेश पारित किया जिसको सभी ने हिलाकर रख दिया। दरअसल प्रशासन की गाज उन सरकारी कर्मियों पे पड़ी जो अपने दफ्तर वक्त पर नहीं जाते। हुआ यूं कि मैनपुरी के सरकारी कर्मचारियों के बारे में खबर मिली कि सरकारी कर्मचारी कभी भी समय से दफ्तर नहीं आते, ना ही दफ्तर में कुछ ऐसे सिस्टम से काम हो रहा है। जैसे ही मामले की खबर जिला अधिकारी को पहुंची, वैसे ही जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मामले की जांच खुद अपने आप करने का फैसला लिया और सुबह पहुंच गए सरकारी दफ्तर, जहां ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे। तो फिर उन्होंने दूसरे दफ्तर का रुख किया, जहां जाकर उन्हें पता चला कि इस दफ्तर की हालत भी पिछले दफ्तर जैसी ही है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई समय से नहीं आया, ना ही समय निकलने के बाद पहुंचा। तब जिला अधिकारी ने ये सब देख झल्ला उठे और सख्त आदेश पारित कर दिया। देखिए, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनपदों में कार्यरत सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्ष अधिकारीगण प्रातः 10 बजे अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित हों, समय निर्धारित करके जन सुनवाई के कार्य को करें, जन समस्याओं को गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध उसका निस्तारण कराएं। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा प्रातः 10 बजे से लगभग आधा घंटा तक कलेक्ट्रेट के अपने विभिन्न पटलों का, अनुभागों का और कलेक्ट्रेट के समीप लगे हुए जो हमारे कार्यालय हैं, चकबंदी विभाग के कार्यालय हैं, आबकारी विभाग के कार्यालय हैं, टूडा का कार्यालय है, खाद्य सुरक्षा का है, सप्लाई का है, इन सभी कार्यालयों में जाकर के उपस्थिति की जांच की गई। तो अनेकों कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं उपस्थित पाए गए। तकरीबन 3 दर्जन जो अधिकारी कर्मचारी थे वो बिना सूचना के अनुपस्थित रहे और विलंब से पता चला कि वो कार्यालय आते जाते हैं। उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कुछ कार्मिकों को चिन्हित करके उनके लिए और भी आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। उनको यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में भी अपनी उनकी आदतों में सुधार नहीं होगा तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कार्यालय समय से आए, जन समस्याओं का समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक सुनकर के निस्तारण करना सुनिश्चित करें। कुछ कर्मचारियों अधिकारियों के संबंध में ऐसी भी कार्रवाई। जब योगी सरकार 2017 में पहली बार सत्ता में आई, तब मुख्यमंत्री योगी ने सख्त आदेश लागू किया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी दफ्तर 10 बजे के बाद नहीं पहुंचेगा और समय से आने पर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी ये नियम सख्ती से लागू किया था, लेकिन वक्त का पहिया घूमने के बाद अब इन नियमों पे मात्र धूल रह गई है। अब एक बार फिर से ये मुद्दा उभर कर आया है क्योंकि मैनपुरी के जिला अधिकारी ने सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने इस नोटिस को जारी करके पूछा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि आप लोग डेली लेट हो रहे हैं। एक दो दिन की बात तो चलो समझ में आती है, पर ऐसा कौन सा कारण है कि आप लोग रोज लेट हो रहे हैं। अब इसके ऊपर सख्ती से जाँच की जा रही है। बहरहाल ये मुद्दा अब पूरे देश में उठ रहा है। सरकार ने ये सख्ती से आदेश लागू कर दिया है कि कोई भी समय के बाद ऑफिस नहीं आएगा और जो आया उसकी आधे दिन की तनख्वाह कटेगी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।